सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो में मैं द्रौपदी का ही स्केच को ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और सिर्फ आई और नोज को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मैं जितना भी पार्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको अच्छा से बता के ही अपलोड किया हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और मैं अभी बस उसको ब्लैक एंड व्हाइट से कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं बस उसका सैचुरेशन को एकदम से जीरो कर दिया, आप देख सकते हो। बट आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, मैं हर एक एक चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आउटलाइन आप देख सकते हो, मैं पहले से ही ड्रॉ किया हूँ। आउटलाइन के ऊपर मेरा चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, सो इसलिए मैं आउटलाइन का वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। और मैं जो मटेरियल यूज़ करूँगा वो आप देख सकते हो। जो मैं पेंसिल यूज़ करूँगा वो है फेबर कास्टेल का, और ये भी बहुत अच्छा पेंसिल है। मैं पहले भी उसको यूज़ किया था और आपको भी लोकल स्टेशनरी शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और पेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रूस्ट्रो का अल्ट्रा स्मूथ पेपर। मैं भी बहुत सारा वीडियो में मैं उस पेपर को आपको दिखाया था। और नॉर्मल जो आप देख सकते हो वाटर कलर ब्रश मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा, और नीडेड इरेजर मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा, आप देख सकते हो। और टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर भी मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा, और बहुत अच्छा टूल है। देन उसके बाद व्हाइट जेल पेन आप देख सकते हो, उसको भी मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा। और कॉटन आप देख सकते हो, उसको मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा, बहुत लार्ज एरिया को ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ करूँगा। सो इतना ही मटेरियल, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैं आई को स्टार्ट कर चुका हूँ, और आई बहुत ज़्यादा डार्क है रेफरेंस पिक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हो। सो इसलिए मैं डायरेक्ट ही 6B पेंसिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा डार्क है, सो आप देख सकते हो कैसे कैसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आपको ध्यान से ड्रॉ करना है, और आउटलाइन को अच्छा से उसको आपको पहले ही ड्रॉ कर देना चाहिए। आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे करके शेड कर रहा हूँ। देन उसके बाद वही जो ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ उससे ही मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरा एक लेयर कंप्लीट होने के बाद मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं और एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज लेयर ड्रॉ करना है जल्दीबाजी से, बिल्कुल भी पहले लेयर में ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो आपको इरेज नहीं कर पाओगे अगर कोई गलती हो जाएगा तो। आप देख सकते हो मैं कैसे कैसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और आई बॉल भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क है, मैं उसको पहले जो ब्लैक कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं हाईलाइट के लिए जो वाइट पेन दिखाया था उसको यूज़ करके मैं अच्छा से कर दूँगा। देन उसके बाद आप देख सकते हो आई का जो साइड पोर्शन है उसको भी मैं कैसे कैसे करके शेड कर रहा हूँ। मैं उसको 2B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्का से शेड हुआ है, आप देख सकते हो। और आईब्रो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क है, बट मैं पहले लेयर के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं और लेयर ऐड करूँगा। इस पेंसिल में 2B 3B 5B 6B 8B है, सो मैं उसके हिसाब से ही शेड कर रहा हूँ। देन अभी आप देख सकते हो मैं थोड़ा डार्क पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ 6B 8B। देन उसके बाद मैं फिर से ब्लेंडिंग करके ए आईब्रो को कंप्लीट करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं सेम वही प्रोसेस से ही, बिल्कुल वही प्रोसेस से ही दूसरा आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। क्योंकि इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको और ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस को इस वाला आई में यूज़ किया था सेम वही प्रोसेस को इस साइड में भी यूज़ करना हूँ। सो ये आपको अच्छा से देख के ड्रॉ करना है, बस आपको काफ़ी स्लोली स्लोली अच्छा से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। सो आप देख सकते हो मैं कैसे कैसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। देन नोज आप देख सकते हो मैं कैसे शेड कर रहा हूँ। मैं अभी 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नोज मैं लेयर वाइज लेयर शेड करूँगा, उसके बाद हाईलाइट को ऐड करूँगा, ब्लेंडिंग करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सो मैं जल्दीबाजी से नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा स्लो फास्ट है, क्योंकि नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बट मैं आपको जैसे जैसे करके बता रहा हूँ आप देख सकते हो। और जिस मेरा ज़्यादा डार्क पोर्शन है मैं डार्क पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ 6B 8B। देन उसके बाद मैं जो साइड वाला पोर्शन है उसको शेड करने के लिए 2B पेंसिल को और 3B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था, मैं जो ब्रश को यूज़ करके ब्लेंड करता हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा तो आज जितना तक ड्रॉ करना था स्केच को मेरा उतना कंप्लीट हो चुका है। और मेरा तो एक ही एम है कि मैं जितना भी ड्रॉ करूँगा वो मैं आपको अच्छा से बता के ही वीडियो में अपलोड करूँगा।
सो आई होप कि मैं उसको अच्छा से किया हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है तो कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट पार्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, आप उसको ही उतना ड्रॉ कीजिए। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।